हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई नो बहुत दिनों बाद आपको मेरा शक्ल दिख रहा है। दो हफ्ते से मैं तकरीबन आई थिंक बहुत सारे दिनों से मैं गायब थी, बिकॉज़ भाई ट्राईपॉड टूट चुका था, थोड़ा सा चेंज भी करना था मुझे एनवायरनमेंट का, ठीक है। एंड आप जैसा कि देख पा रहे हो, बोर्ड मैंने फिक्स करवा दिया है, लाइटिंग भी थोड़ा बहुत सुधरेगा, जो रिफ्लेक्शन आ रहा होगा चश्मे में आई डोंट नो आ रहा होगा कि नहीं, वो भी जाए, वो फिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया एप्लीकेशन पार्ट भी आपके जो टॉपिक में है वो भी नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं, एप्लीकेशन एक्सरसाइज हर चीज़ हम करेंगे। यहाँ पे हमें पता लगाना है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है और कितने सारे तरीके हैं। बट बिफोर दैट लेट अस रोल। देखिए दोस्तों, पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं और आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² - 5x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ या ना, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का वो 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मेरा सवाल है तुमसे कि x का वो क्या क्या वैल्यूज़ होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब तुम बोलोगे दीदी सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है। देखो, एक इक्वेशन में एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। इक्वल टू के लेफ्ट में लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के राइट में राइट हैंड साइड। सारी चीज़ें जब आप लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हो तो जो भी वेरिएबल है, सवाल मेरा ये है कि वेरिएबल में आप क्या वैल्यू डालो कि डालने से जो भी राइट में लिखा है वही आ जाए। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का वो क्या क्या वैल्यू मैं चुनूं जिसको मैं जब लेफ्ट में डालती हूँ तो राइट का जो है ज़ीरो ही आता है, तो आपको चुनना पड़ेगा। सो एक एक करके हम चुनना शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं एक एक्स का वैल्यू चुनती हूँ 1। जब देखिए बैकग्राउंड नॉइजेज होगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ये एकदम सड़क के एकदम बगल में ये जो है घर है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। देखिए एक्स का वैल्यू 1 आप लिए, चलिए पुट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप एक्स का वैल्यू 1 डालोगे तो ये क्या क्या बनेगा देखते हैं। 2 - 5 + 3 यानी कि -3 + 3 कैंसल आउट होके 0। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो रहा है, दिस इज़ राइट। यानी कि ये एक्स इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन का सल्यूशन है। सल्यूशन है मतलब ये कि जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में डालोगे तो राइट हैंड साइड आ जाएगा। सो ये तुम्हारा सल्यूशन है, क्लियर है, आगे बढ़ो। अब एक्स का वैल्यू ले लो 2, ले लो भाई 2, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। 2 पुट कर रहे हैं दीदी, सो वी आर गेटिंग, देखो आई एम नॉट स्किपिंग एनी स्टेप, बट येस इन एग्जाम्स इफ यू फील लाइक सम स्टेप्स आर रियली मतलब डजेंट मेक सेंस टू राइट, आप स्किप कर सकते हो, मैं भी किया करते थे। ये तो 1 आया, जबकि 1 इज नॉट द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में तो 0 लाना था। यानी कि x इक्वल्स टू 2 is not a solution, is not a solution of this equation. यानी कि x equals to 2 डाल के कभी भी आपको राइट हैंड साइड से मैच नहीं करेगा, ठीक है। एक और चीज़ डालो, x equals to 3/2 लेके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो। 2 × 3/2 का होल स्क्वायर यानी 9/4, 5 × 3/2 + 3, दिस बिकम्स 9/2 - 15/2 = +3। LCM ले लिया, 9 - 15 + 3 दैट इज़ -6/2 + 3, इसको कैंसिल आउट करो तो -3 + 3 = 0। येस दिस इज़ द राइट हैंड साइड। यानी कि आपको दो सॉल्यूशंस मिल गए, x इक्वल्स टू 1 डाल के भी राइट हैंड साइड मैच कर रहा है, x इक्वल्स टू 3/2 डाल के भी राइट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है। और भी हो सकते हैं क्या नंबर्स, जो और भी x का वैल्यूज हो सकता है क्या जो यहाँ पे डाल के राइट हैंड साइड से मैच करवा दोगे आप? नहीं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, 2 ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैंने कैसे बताया,
आप एक हिंट के तरीके से याद रखो, जो भी इक्वेशन है उस इक्वेशन का जो भी डिग्री होगा यानी हाईएस्ट पावर होगा उतना ही आपका सॉल्यूशंस हो सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम ही लिखा है यानी हाईएस्ट पावर 2 होगा, इसलिए इसका दो ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकता है। लीनियर इक्वेशन होता तो हाईएस्ट पावर 1 था, इसलिए सिर्फ एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। बात क्लियर हुआ? लेकिन आप बोलोगे कि दीदी आपने एक्स इक्वल्स टू 1 डाला, एक्स इक्वल्स टू 2 डाला, फिर ये नंबर डाल दिया, ऐसे मुझे तो सपना नहीं आएगा कि क्या नंबर डालना है, क्योंकि नंबर्स तो अनगिनत है ना, नंबर्स तो अनगिनत है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि नंबर कौन सा डालना है। बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दीदी कोई एक मेथड बताइए जिसको यूज़ करें अगर हम लोग, तो हम लोग सॉल्यूशंस तक पहुंच जाए, इतना सोचने का ज़रूरत ना पड़े। तो हम लोग मेथड को ही डिस्कस करेंगे वन बाय वन आने वाले वीडियोस में भी, और आज भी वीडियो में मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी एक प्यारे से छोटे से मेथड का। देखो बच्चों, सॉल्यूशंस निकालने के लिए, क्योंकि दो ही पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, देखो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम हाउ मेनी सॉल्यूशंस, तो आप बोलोगे दो। अच्छा, सॉल्यूशन के जगह एक और शब्द यूज करा जाता है, सॉल्यूशन अगर आप नहीं सुनोगे तो आप सुन लोगे रूट्स। रूट्स और सॉल्यूशन का बात एक ही है, रूट्स भी वही एक्स का वैल्यू का बात कर रहा होता है जिसको आप इक्वेशन में यूज़ करो तो आप सेटिस्फाई करवा दो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मैच करवा दो। रूट्स और सॉल्यूशन सेम ही बात है, ठीक है। तीन तरीका है बच्चों, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही ईजी मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है आपके पास कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही साधारण मेथड है। और तीसरा है आपके पास, जो आप सब जानते हो, श्रीधर आचार्यस फॉर्मूला, या फिर आप कह दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो भी आप बोलना चाहते हो। हम यहाँ पे डिराइव भी करेंगे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला को, ठीक है, बहुत ही आसान है। ऑलराइट, आज हम देखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। क्लास 8 में जब आप थे, क्लास 9 में जब आप थे, तो आपने फैक्टराइजेशन बहुत किया है। मे बी नाम से आप वाकिफ नहीं है, लेकिन आपने बहुत बार फैक्टराइजेशन किया है, और अगर नहीं भी किया है तो मैं हूँ आपको समझाऊंगी। सो ज़रा सा आज हिंट देख लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड एक्चुअली क्या था। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट आपको बुक्स के अलावा भी कुछ कुछ सम्स प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार बोलती हूँ मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि आप स्कोर कर जाओ और बाद में भूल जाओ। आपको पढ़ना है, आपको समझना है, और आगे तक इसको समझते रहना है, आपको अपना बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। सो ये सम्स आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको दिया है, मे बी मैंने एनसीईआरटी वगैरह से खोज के इसको लाया है। ज़रा ध्यान से देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऐसा ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म दिखता है, आया ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। आप क्या कीजिएगा, आप ए सी यानी कि जो भी कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट लिखा गया है, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोएफिशिएंट लिखा गया है, साइन मैटर नहीं करता, ठीक है। साइन अगर माइनस 2 लिखा गया, माइनस 4, वो मैटर नहीं करता, लिखा क्या है, नंबर क्या है, 2 है 4 है, वो मैटर करता है। आप उसको कांस्टेंट के साथ इंटू कीजिए, कर लिया तो आपको क्या मिला, सी ए या ए सी व्हाटएवर। आप इसका एलसीएम निकालिए, अब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकलेगा जो जो मल्टीपल्स, आप उसका पेयर बनाइए। हो सकता है कि आपको दो का पेयर और एक अकेला छूट जाए, वो सब हम सीखेंगे। आप पेयर बना के या तो उन पेयर्स को ऐड कीजिए या उन पेयर्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए। उन पेयर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको ये बी मिलना चाहिए, और अगर बी मिलता है तो एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लीजिए उन पेयर्स को। अगर सी ए बन जाता है, यानी जो पेयर्स है उनको ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, बी मिल गया, और उन पेयर्स को मल्टीप्लाई किया तो सी ए भी मिला, तब आप उसको इस्तेमाल करेंगे। क्या बोला चाहते दीदी, एक सम से समझो, जल्दी समझ में आएगा। देखो सबसे पहला सम्स मैं लिख रही हूँ, वही वाला सम्स जिससे आज हम लोगों ने शुरुआत करा था। आपको क्या लगता है, मेरे भी दिमाग में वो सारे नंबर्स यूं ही आ जाएंगे? नहीं,
मैंने भी फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैलकुलेट किया और फिर आपके सामने वही नंबर्स को दिखाया जिससे सोल्यूशन जो सोल्यूशन उसका बन रहा था। देखिए आप बेबी स्टेप्स लोगे तो आप इसको एक्चुअल वाला जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। आपका कांस्टेंट क्या है वो 3, वेरी गुड। आपका एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर लिखा है दीदी 2, 2, 3 × 2 6, 6 का एलसीएम लेना आता है 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, यही होता है। आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा पेयर बनाना है, पेयर बनाना है जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 आ जाए। अब आप बोलेंगे दीदी पेयर होना ज़रूरी है क्या? नहीं, इंडिविजुअल नंबर्स भी अगर वो हैं जिनको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 बन रहा है और जिनको मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आप बोलोगे दीदी 2 + 3 = 5 बनता है, 2 − 3 इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो -1 बनता है, हमको चाहिए 5। 2 + 3 = 5 बनता है और दीदी 2 × 3 = 6 भी बनता है, जो मेरे को यहाँ से चेक भी करना था। आप यूं ही मन धड़न कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आप बोलोगे दीदी 2 + 3 = 5 बनता है और उन पेयर्स को, उन नंबर्स को इंटू करके मुझे वो नंबर मिल जा रहा है AC जो मेरा मुझे चाहिए था, ये AC है ना भाई, तब आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, मैं इसको रब कर रही हूँ, हाँ आप बोलोगे दीदी 5 के जगह, हमेशा हर चीज़ को ब्रैकेट में डालना ठीक है, 5 के जगह मैं 2 + 3 भी तो लिख ही सकती हूँ या सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो, लिख लिया ठीक है। हमेशा ना यहाँ पे एक और लिखते रहना क्योंकि यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हो तो यहाँ इक्वल्स टू नहीं लिख सकते क्योंकि ये इक्वेशन है, इसलिए और लिखते चलो। क्या किया मैंने, बस ब्रैकेट खोला भाई, माइनस सबके साथ एडजस्ट हुआ। अच्छा दीदी इन दोनों में से ना 2x कॉमन होता है, 2x बाहर निकालिए। जैसे ही 2x कॉमन निकाल लिए, यहाँ तो एक्स स्क्वायर था तो यहाँ का एक x बचा है और यहाँ कुछ नहीं बचा है, यानी कि एक यहाँ 1 बचा हुआ है, आपने सब कुछ कॉमन निकाले तो 1 बचा हुआ है। यहाँ पे दीदी आप -3 कॉमन निकालिए, -3 जब आप कॉमन निकालेंगे तो जब आप माइनस कॉमन निकालते हो ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो 3 और 3 दोनों तो चला गया, यानी यहाँ तो 1 बचा हुआ है और यहाँ x पड़ा हुआ है लेकिन माइनस साइन है यहाँ पे। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है एक बार रीचेक कर लो, ब्रैकेट्स ओपन करो, -3x ठीक है, +3 ठीक है, सही है। फिर इन दोनों ब्रैकेट्स को आप कॉमन ले लेते हो। कॉमन कैसे लिया जाता है, आप इसको उठा के बाहर लिख दो। कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचा, 2x - 3, इसको अलग ब्रैकेट में डाल दो, इसको अलग ब्रैकेट में डाल दो। यहाँ तक समझ में आया क्या, क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं। मैंने क्या किया 3 × 2 करके उसका एलसीएम लिया, लेने के बाद मैंने नंबर्स के जोड़े बनाने शुरू किए, यानी 2 + 3 = 3 कुछ भी करके मुझे 5 लाना था, तो मैंने बोला दीदी 2 + 3 करके 5 बनता है, तो मैंने उसी तरीके से लिखा। लिखने के बाद मैंने उसको ब्रैकेट्स में ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने x - 1 कॉमन ले लिया और जो बचा हुआ था उसको अगले ब्रैकेट में डाल दिया। अब मुझे एक बहुत प्यारी बात बताना, तुम्हारे टीचर्स ये बातें नहीं बताएंगे ठीक है, मुझे एक बात बताओ, ए है, a × b है और लिखा है a × b 0 है, a × b 0 कब होगा? ए अननोन नंबर है, बी अननोन नंबर है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आता है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि दीदी अगर दोनों का प्रोडक्ट करके 0 आता है, ये तो तभी हो सकता है जब या तो ए 0 हो जाए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो 0 × b 0 हो जाएगा, सही है, और या तो b 0 हो जाए, अगर b 0 हो गया तो a × 0 0 हो जाएगा, यानी कि किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा, किसी एक को तो 0 होना पड़ेगा तभी ये सिचुएशन अराइज हो पाएगा। और दीदी या तो दोनों ही 0 हो जाए, ए भी 0 है बी भी 0 है, इंटू करके 0 आता है, हाँ, तो तुम बोलोगे दीदी दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 तभी हो सकता है वेन आइदर
एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, ये वाला चीज़ ज़ीरो हो जाए, या दीदी ये वाला चीज़ ज़ीरो हो जाए, यही हो सकता है, हाँ है ना। अब x माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज़ टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस वन को उस साइड लेके जाओ x इक्वल्स टू वन, और यहाँ थ्री उस साइड लेके गए और ये टू से डिवाइड कर दिया, थ्री बाई टू। मैंने सोल्यूशन क्या बताया था, x इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू माइनस थ्री बाई टू, इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्यों था, देख लो क्यों था। फैक्टराइजेशन मेथड से तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, और भी हम लोग फेमिलियर होंगे नेक्स्ट वाले सम्स पे जाएंगे। तो देखो बच्चों, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कुछ नहीं करना। कॉन्स्टेंट क्या है दीदी, टू। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है दीदी, सिक्स, इंटू कर दो, टू इंटू सिक्स ट्वेल्व, जो आया उसका एलसीएम लो दीदी, टू सिक्स टू थ्री, थ्री वन जै थ्री हो गया। अब मैंने कहा कुछ ऐसे जोड़े बनाओ जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा, यानी क्या लिखा है वन, अरे एक्स के आगे कुछ नहीं लिखा यानी वन लिखा है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके वन आ जाए। तो तुम बोलोगे दीदी आप देखिए, देखो वन मैटर नहीं करता, ठीक है, वन का जल्दी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, वन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, तो वन को तुम इग्नोर मार सकते हो। तुम बोलोगे दीदी हम लोग ना थ्री इंटू टू अगर ले और माइनस टू करें, थ्री इंटू टू माइनस टू, तो ये होगा सिक्स माइनस टू जो कि हो जाएगा फोर, मुझे तो वन चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन, ये पेयर नहीं बैठ रहा है। और दूसरा अगला इंसान बोलेगा कि दीदी अगर हम टू इंटू टू ले लें, टू इंटू टू, और दीदी तीन माइनस करें तो देखिए क्या होता है, फोर माइनस थ्री, यानी कि तुम किसी किसी चीज़ का पेयर ले लो, कुछ अकेला छूट जाए तो भी चलेगा, दोनों चीज़ का पेयर है, ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, माइनस से ऐड करके ये बीच वाला नंबर आ रहा है, वो भी चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा कुछ भी आके ये वाला तो आना ही चाहिए, ठीक है दीदी, सही है। फोर माइनस थ्री दीदी वन आता है, तो ये पेयर काम करता है अगर, ये पेयर काम करेगा अगर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व आ जाए। क्या बोलना चाहे दीदी, जो पेयर आप सिलेक्ट किए उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ये आने से ही काम नहीं चलेगा, उनको मल्टीप्लाई करके भी 12 आना ही चाहिए, एसी का वैल्यू से मैच करना ही चाहिए। तुम बोलोगे दीदी 4 माइनस थ्री वन आता ही है और 4 इंटू थ्री ट्वेल्व भी आता ही है, तो ये पेयर काम कर रहा है, तो यूज़ करो, हमेशा ब्रैकेट्स लगाते रहो। क्या क्या मैंने 1 के जगह 4 माइनस थ्री लिख दिया, अरे 1 के जगह 4 माइनस थ्री लिखूंगे तो कुछ गलत तो नहीं होगा, 1 ही आएगा ना, तो ठीक है। अब ब्रैकेट्स को ज़रा खोलो, माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, इजंट इट। अब दीदी इसमें से आप क्या कीजिए ना, आप 2x कॉमन लीजिए, जब आप 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ एक 3 बचेगा और यहाँ एक x बचेगा और यहाँ का एक 2 बच जाएगा, और दीदी यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक 1 कॉमन ले लीजिए, 1 कॉमन आया तो जो भी था वही बच जाएगा, इस बार तो साइन का भी झमेला नहीं क्योंकि बाहर प्लस है, ठीक है दीदी। ये और ये कॉमन है तो इनको कॉमन ले लीजिए, जो बच गया उसको अगले ब्रैकेट में डालिए दीदी, डाल दिया मैंने दीदी। दो चीज़ों का प्रोडक्ट तभी ज़ीरो हो सकता है जब या तो ये ज़ीरो हो जाए या तो ये ज़ीरो हो जाए, तो आप बोलोगे आइदर आइदर दिस इक्वल्स टू ज़ीरो और 2x प्लस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, इसका वैल्यू आ गया 2/3 और इसका वैल्यू आ गया माइनस हाफ, तो आप क्या लिखोगे आंसर में, आप लिखोगे आंसर में x इक्वल्स टू 2/3 एंड माइनस हाफ इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन या रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। मैंने क्या बताया, मैक्सिमम दो ही आपके जो है पॉसिबल रूट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम दो, क्योंकि हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही आपका रूट्स आ सकता है, इसलिए मैक्सिमम दो। मुझे लगता नहीं है कि मैं आज के वीडियो में ये पार्ट को आगे जो है एक्सटेंड करूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आगे वाला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। इसको ज़रा सा नोट डाउन कीजिए, समझिए, लिखिए, और जो मैं तरीका बता रही हूँ उसी तरीके से कीजिए, जल्दी सॉल्व होगा। क्या करना है, एसी किया, एसी का एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल के पेयर बनाया जिससे वन आ जाए,
और उन पेयर्स को इंटू करके 12 भी आ जाए, यानी ए सी का वैल्यू आ जाए, उस पेयर को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किया और कुछ भी नहीं है, और एक्स का आपको दो वैल्यू मिलेगा। बहुत ही साधारण सा बोल सकते हैं आप सम से ये, इसको ज़रूरी है कि आप कीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आता है देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो लाइक द चैनल इफ यू आर लाइकिंग इट। ठीक है, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में जल्द ही आगे के सॉल्यूशंस के साथ। टेक केयर, स्टे सेफ एंड मास्क पहनना नहीं भूलना है।